यार मेरे कजन की वजह से ना पूरे घर में फैल गया। देखिए लोग कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, गारंटी लड़का। ऐसा करने से ना कैंसर ठीक हो जाता है, वैसा करने से ना भूकंप आ जाता है। तो मत कर, मत कर, मत कर फॉरवर्ड, मत कर फॉरवर्ड। भाई बिल्कुल सही बात है, फॉरवर्ड मत कर, बिकॉज फॉरवर्ड करते करते आप बात का कितना बड़ा बतंगड़ बना देते हो ये आपको कभी पता नहीं लगता। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि भाई कैसे इस फेक मैसेज के चेन को तोड़ा जाए। अब ये काफी अच्छी मूवमेंट थी सेलिब्रिटीज को एंडोर्स करके ये बताना कि भाई आगे फॉरवर्ड मत कर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके आगे का प्रोसेस कि यहाँ पे फेसबुक एंड व्हाट्सएप ने रिसेंटली एक नया इन्फॉर्मेशन लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप काफी हद तक फाइंड आउट कर पाओगे कि जो मैसेज है वो वायरल है, मतलब कि फेक है या नहीं है, या फिर कौन से फेक मैसेजेस अभी सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, आपके रीजन में कौन से हो रहे हैं, बाहर कौन से हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से हो रहे हैं, कैसे फाइंड आउट करना है, किस सेक्टर में है, कैसा है, ये सारी कहानी इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं। अब देखो जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम कर रही है वो है IFCN, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मैसेजेस सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं जो, ये उन मैसेजेस को पकड़ते हैं, फिर उनको चेकआउट करते हैं, उनको रेलिवेंट सोर्स से मतलब उनका पता लगाते हैं कि वो फेक है नहीं है, और फिर उसको अपने सिस्टम में अपने सर्वर पे उसको रख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी व्हाट्सएप के थ्रू ये पता कर पाए कि भाई वो मैसेज फेक है या नहीं है। आपको करना कैसे, मतलब आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है लेकिन आप श्योर नहीं हो कि भाई ये फेक है या नहीं है, तो कैसे पता करना है वो देखिए आप इस एप्लीकेशन के अंदर। मतलब कोई अलग एप्लीकेशन नहीं है, व्हाट्सएप के अंदर ही है सब कुछ। सिंपल एक नंबर है, एक कॉन्टेक्ट है जो सारा काम करेगा यहाँ पे। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये कॉन्टेक्ट है, एक नंबर है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर देख सकते हो, और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेट मतलब चेक करता है कि फेक मैसेजेस कितने ज़्यादा घूम रहे हैं, और बिजनेस अकाउंट है, वो सारी डिटेल्स है यहाँ पे, ईमेल वगैरह यहाँ पे सारी डिटेल्स है, कहाँ पे US में लोकेटेड है कंपनी। करना क्या है आपको, देखिए मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है। अब नंबर जो है मोबाइल नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप जाके चेक करिए, मतलब मैसेज मेरे वीडियो के नीचे होगा, और यहाँ पे मैं लिंक भी डाल रहा हूँ एक, उस लिंक को आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपके फोन पे तो ऑटोमेटिकली ये आपको व्हाट्सएप के अंदर ले जाएगा, और वहाँ पे बस एक हाई मैसेज अपने आप टाइप होके आ जाएगा, हाई पे आप मैसेज को सेंड करिए और ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है एक्टिवेट हो जाएंगी आपके व्हाट्सएप के अंदर। मुझे कुछ नहीं करना, ये लिंक पे क्लिक करना है, सेम लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है वीडियो के, वहां पे भी आप क्लिक करके सारा काम कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं ये देखिए क्या होता है, ऑटोमेटिक ये एक नए चैट को क्रिएट करता है यहां पे, और यहां पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहां पे हाई लिख के आ गया है, और मुझे बस इस हाई को यहां पे सेंड करना है। ये मैंने कर दिया सेंड, और ये देखिए पूरा मैसेज आ गया यहाँ पे। और इस तरीके से आपने अपने कॉन्टैक्ट में ये IFCN का जो नेटवर्क है इसको इंस्टॉल कर लिया है, इस नंबर को इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ पे अब आप जो भी कार्रवाई है वो कर सकते हो। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले कुछ भी एक्टिवेट करने के लिए, कुछ भी पता करने के लिए आपको लिखना है हाई। ये मैंने हाई लिख के यहाँ पे मैसेज कर दिया सेंड। हाई लिख के सेंड करते ही यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ये आप पढ़ लीजिए। बेसिकली यहाँ पे ये बोलता है कि 24/7 आप हमको मैसेज करिए, और जो भी मिथ है, जो भी फेक मैसेजेस है उसको हम पकड़ के आपको देंगे। यहाँ पे ये 6 ऑप्शन आते हैं, तो 6 ऑप्शन आप देख लो यहाँ पे क्या होते हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है सर्च फॉर फैक्ट चेक, मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में पता करना चाहते हो वो कर सकते हो। दूसरा है जो लेटेस्ट अभी चल रही है मिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक मैसेज चल रहे हैं वो, तो यहाँ पे आप 1 टाइप करेंगे तो पहला होगा, 2 टाइप करेंगे तो दूसरा होगा। तीसरे में ये आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन से फाइट करने के लिए टिप्स वगैरह बताएंगे। अगर आप 4 लिख के भेजते हैं तो यहाँ पे जो आपके आसपास के लोकेशन में फेक मैसेजेस चल रहे हैं सबसे ज़्यादा उसके बारे में बताएगा। तो हम यहाँ पे करते काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 2 कि भाई हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने 2 टाइप किया यहाँ पे देखो 2 मैसेज आ गए मेरे पास। यहाँ पे लिखा है कि मस्टर्ड ऑयल अगर आप अपने नाक में लगाएंगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा, तो ये फेक मैसेज है, और यहाँ पे कैसे कैसे ये फेक मैसेजेस सारी डिटेल्स आ गई है वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे आप प्लस लिख दो। यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको फॉलो करना है। प्लस लिखेंगे तो और ज़्यादा मैसेज आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास कोई मैसेज आया तो कैसे चेक करना है उसको। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मैसेज आता है जिसमें कोरोना को लेकर कोई चीज़ क्लेम की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम हाई लिखते हैं तो ये मैसेज आता है, उसके बाद हम दबाते हैं 1, तो 1 के बाद ये पूछता है कि आप पर्टिकुलर कीवर्ड डालो जिस कीवर्ड से आप सर्च करना चाहते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप वर्ड और शॉर्ट सेंटेंस जो भी है वो टाइप करिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोरोना का कोई मैसेज आया तो मैंने भाई यहाँ पे लिख दिया कोरोना। ये कोरोना टाइप करते ही कोरोना से रिलेटेड जो भी फेक मैसेज घूम रहे हैं मेरे एरिया में वो सारे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि मेरे को जो मैसेज आया है उसको कैसे चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फेक मैसेज आया है जो मुझे लग रहा है कि फेक है,
उसको मैंने कॉपी कर लिया है जहाँ से मुझे आया, और यहाँ पे मैं उसको करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं उस मैसेज को जब भेजता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये मेरे को बता देता है कि ये जो मैसेज है जो आपके पास आया है ये फॉल्स मैसेज है। तो देखो ये सारी चीज़ें आ गई, जो मैंने मैसेज भेजा था यहाँ पे वही मैसेज दोबारा उन्होंने मेरे को भेजा, और यहाँ पे आ गया कि भाई जो मैसेज अब फेक है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि फेक है नहीं है, क्या है और क्या सच है, वो पूरी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यार ये थी सारी चीज़ें IFSCN के बारे में। WhatsApp की तरफ से काफ़ी बड़ी मूव है ये, और आपका काम ये है कि आगे से कोई भी मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो यार एक बार चेकआउट कर लो, आपको भी मतलब क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ सही है नहीं है, और इनफैक्ट आपके पास कोई मैसेज आ रहे हैं ऐसे तो यहाँ पे चेक करके आप उसको भी बोल सकते हो कि भाई इसको आगे मत भेजो। और इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को पता लगे यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।